यूपी खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। आइए खबरें देखते हैं प्रयागराज, फरुखाबाद, रायबरेली, कासगंज और बदायूं से। आज की पहली खबर जिला रायबरेली से है। जनपद में हरे पेड़ों को उजाड़ने का काम चल रहा है। एक ओर जहां सरकार अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वातावरण को संतुलित करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं डलमऊ के वन विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से उबरनी में रातोंरात सैकड़ों प्रतिबंधित पेड़ों को काट दिया जाता है। यहां लगभग एक सप्ताह में रातोंरात आम, नीम, महुआ, जामुन के प्रतिबंधित सैकड़ों पेड़ काट डाले गए। इसकी सूचना ग्रामीणों के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। यहां बड़ी संख्या में काटे गए प्रतिबंधित पेड़ों को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूचना पर वन विभाग के एक फॉरेस्टर ने मौके पर जांच की और DFO रायबरेली ने भी मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबर जिला फरुखाबाद से देखिए तो कायमगंज में बुलेट बाइक से अपने साथी के साथ निकले फर्नीचर विक्रेता को बीती रात किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर हो गए। उन्हें CHC लाया गया, जहां चिकित्सक ने फर्नीचर विक्रेता को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके साथी को लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गौटोला निवासी फैजल अंसारी की जटवारा मार्ग पर फर्नीचर की दुकान है। बीती रात वो अपने गांव के सतीश शक के साथ बुलेट से कायमगंज फरुखाबाद बाईपास से गुजर रहा था। उसी दौरान टेढ़ी कोन के निकट दोनों दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें रात में ही CHC लाया गया। CHC में चिकित्सक विपिन कुमार ने फैजल को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम की स्थिति बनी रही। अगली खबर जिला प्रयागराज से है। जिले के कोराओं के महोत्सव में आज भोजपुरी गायक राजेश परदेसी ने सुरों का जलवा बिखेरा। कोराओं में विगत कई वर्षों से कोराओं महोत्सव का आयोजन होता है। इस वर्ष भी कोराओं महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गायक अमित मिश्रा, गायिका खुशबू तिवारी, राजेश परदेसिया, उषा इलाहाबादी आदि ने अपनी अपनी आवाज को बुलंद किया। मौके पर पूर्व विधायक राजबली जैसल, शशि द्विवेदी, विधायक राजमणिकाल, नरसिंह केसरी, गौरव सुरेंद्र द्विवेदी, मोतीलाल कुशवाहा आदि के मौजूद कलाकारों का उत्साह वर्धन किया गया। अगली खबर भी जिला प्रयागराज से है। यहां नगर पंचायत कोराव में यातायात व्यवस्था दुरुस्त ना होने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार है। यहां आए दिन भारी वाहनों की वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। सूत्रों की माने तो पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बाजार में आए लोगों को निजात मिले। आज भी सब्जी मंडी से लेकर बस स्टैंड चौराहा पर जाम लगा रहा। यहां जरूरी है यातायात को सही करने के लिए कोई नियम बनाया जाए। खबर कासगंज जिले से देखें तो आज विधानसभा पटियाली के अंतर्गत SBR इंटर कॉलेज पटियाली के विशाल मैदान में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन संयोजक डॉक्टर शशि मिश्रा अध्यक्ष नगर पंचायत पटियाली ने किया गया। इस विशाल महिला सम्मेलन के मुख्य अतिथि कल्पना मिश्रा, विशिष्ट अतिथि नकुल दुबे, मीनू दुबे एवं अरुण दुबे का नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शशि मिश्रा एवं विधानसभा पटियाली के प्रभारी प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा ने 51 किलो की फूलमाला एवं चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। विशाल महिला सम्मेलन में हजारों की संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर मुख्य अतिथि कल्पना मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि नकुल दुबे के संबोधन को सुना। आज की अंतिम खबर जिला बदायूं से है। आज जिले के चकबंदी से संबंधित मामला सामने आया है। तहसील बिसौली के ग्राम पंचायत मन्नू नगर में तकरीबन 70 साल से चकबंदी नहीं हुई थी, जिससे यहां के ग्रामवासी परेशान थे। इस मामले में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने चकबंदी से संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया। मामले में समस्त ग्रामवासियों ने अपनी अपनी सहमति देकर हस्ताक्षर करके चकबंदी कराने का फैसला लिया है। आप देख रहे थे यूपी खबर स्पेशल। अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल और वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।